हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे स्पीक सेल ऑन इंटर। किसी भी सेल पे आप क्लिक करके इंटर प्रेस करेंगे तो इंटर प्रेस करने के बाद आपके सेल में जो लिखा हुआ होगा वो सेल आपको स्पीक करके बताएगा। तो ये ऑप्शन सबसे पहले आपको जनरली एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना होगा, तो जाना होगा सबसे पहले आपको फाइल मेनू के अंदर। फाइल मेनू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से जाना है आपको क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑल कमांड्स चूज करना है। ऑल कमांड्स चूज करने के बाद यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे दो डायलॉग बॉक्स बनाया गया है, एक इस तरफ, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आना है लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में आने के बाद आपको यहाँ पे चूज करना है स्पीक सेल ऑन इंटर। तो इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ढूंढना है कि स्पीक सेल ऑन इंटर कहाँ है। तो यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्पीक सेल ऑन इंटर। उसके बाद देन यहाँ पे आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद यहाँ से आपको ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस कर देना है और उसके बाद चलिए देखते हैं क्या ये ऑप्शन बोल के सुनाता है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने इंटर प्रेस किया। आप ध्यान से यहाँ से सुन सकते हैं। सोहन, रमेश, मोहन, राजन, राकेश। तो इस तरीके से आपका सेल स्पीक करता है, और यहाँ से आपके नंबर्स एंड टेक्स्ट जो भी लिखे हैं इस तरीके से आप स्पीक करवा सकते हैं। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।